इस वीडियो में एल्यूशन टाइल्स और पार्किंग का जो स्टेयरकेस रहता है उसका डिज़ाइन देखने को मिलेगा। साथ ही में जो डोर फ्रेम होता है फोटो फ्रेम, उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त लुक है, उसका एक आइडिया मिल जाएगा। और स्टेयर्स का भी आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो, जैसे सामने देख रहे हैं स्टेयर्स, इसका भी एक आइडिया मिल जाएगा। डबल इसमें फिटिंग किया हुआ है इसको पूरा, और ब्लैक ग्रेनाइट का कॉम्बिनेशन लेके फिटिंग किया हुआ है। ये 12 इंच बाय 18 इंच का इसमें एलिवेशन टाइल्स है पूरा, मैट पॉलिश वाला टाइल पूरा कंप्लीट। और सामने मेन डोर है इसका, जिसको फोटो फ्रेम में बनाया हुआ है, तीन से चार कलर लेके एक और पूरा कॉम्बिनेशन लेके फिटिंग किया हुआ है। और एक विंडो है इसमें पूरा फोटो फ्रेम है पूरा वो भी। सबसे पहले बात करेंगे इसमें ये एलिवेशन टाइल्स जो 12 इंच बाय 18 इंच की लगा रखी है पूरा सीलिंग टच तक, इसमें मैट पॉलिश वाला है, इसमें ग्लोसी पॉलिश भी आता है, वो भी फिटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और अभी बताता हूँ आपको मैं स्टेयरकेस, ये स्टेप्स लगा रखे हैं इसमें, दो कलर का राइजर यूज करके इसमें ग्रेनाइट लिया हुआ है पूरा, और टाइल का यूज किया हुआ है एक टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया हुआ है इसके अंदर। ऊपर का जो टॉप देख रहे हैं उसमें टेलीफोन ब्लैक यूज किया हुआ है, और डिजाइन पट्टी ली हुई है दो सूत की इसमें। और सामने जो राइजर देख रहे हैं, राइजर का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है आपको एक, और जो दो टुकड़े देख रहे हैं वो टाइल के लिए हुए हैं, जो वाइट टाइल आती है उसका फिटिंग किया हुआ है इसमें। और डबल मोल्डिंग में फिटिंग किया हुआ है, जो ऊपर का टप्पा देख रहे हैं वो पूरा दो सूत की जो रेडीमेड डिजाइन पट्टी आती है मार्बल की, वो फिटिंग करके। और साइड से स्कर्टिंग एक देख सकते हैं, चैम्बर मार के फिटिंग किया हुआ, दो सूत चैम्बर बाहर लिया हुआ है और टाइल पूरी अंदर है। ये चार पांच स्टेयर्स हैं जो मेन एंट्री का है, जो एरिया वहाँ का है ये स्टेयर्स। ये भी क्या आइडिया ले सकते हैं, इस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं स्टेयर्स, जो अपने मेन एंट्री के स्टेयर्स रहते हैं उनको। और अभी ऊपर का जो लैंडिंग होता है वो भी देख सकते हैं, एक इधर सिंपल सा टाइल के अंदर ब्लैक ग्रेनाइट का स्टार बना के फिटिंग किया हुआ है। ये ऊपर इसमें जैसलमेर जो टाइल आती है 2x2 की, वो ली हुई है, और चारों तरफ से इसको 2 इंच का पट्टी लगा रखा है, और चारों तरफ से पूरा बॉर्डर है इसमें ब्लैक ग्रेनाइट का ही। और ये 2 इंच की पट्टी है पूरी जो देख रहे हैं ये, जिसको चैम्बर मार के आधा इंच का ऊपर लिया हुआ है दोनों भी टाइल को। और ये है डोर फ्रेम, जो सिंगल मोल्डिंग के साथ में बनाया हुआ है, आजू बाजू सिंगल मोल्डिंग है इसमें, ये सिंगल मोल्डिंग है ब्लैक ग्रेनाइट की। और ये आर्टिफिशियल जो वाइट पत्थर आता है वो है, और ये तीन कलर के अंदर पूरा राउंड मोल्डिंग करके फिटिंग किया हुआ है। ये जो पत्थर देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल आता है पूरा कंप्लीट, और ये ब्लैक ग्रेनाइट है टेलीफोन ब्लैक ग्रेनाइट। उसके बाजू से फिर विंडो है इसमें, जिसमें भी ये देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है सिंगल मोल्डिंग के साथ में, और आर्टिफिशियल जो ग्रेनाइट आता है उसका टिकली बना के फिटिंग किया हुआ है इसमें। ये डोर का फोटो फ्रेम देख सकते हैं, इसको दो साइड से फोटो फ्रेम लिया हुआ है, और लकड़ी की चौखट है इसमें। स्टेयर्स में अपन नीचे जाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा पूरा ब्लैक, और नीचे से ऊपर आएंगे तो पूरा राइजर के साथ में इस तरीके से लुक रहेगा इसका स्टेयर्स का। और दूर से अगर देखेंगे अपन डोर को तो उसका लुक कैसा है वो भी देख सकते हैं एक, और विंडो का भी एक आइडिया ले सकते हैं, इस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। चारों कोनों में इसमें वाइट आर्टिफिशियल का ग्रेनाइट का ही यूज़ किया हुआ है, जो 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है, और बीच में टिकली ली हुई है इसमें दो कलर की, नीचे एक रेड कलर की, और साइड से जैसलमेर कलर का यूज़ किया हुआ है। और एक ग्रिल का भी आइडिया ले सकते हैं इसमें, साथ ही में ग्रिल जो बनाई हुई है इसमें। वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ऊपर इसमें पूरा POP किया हुआ है, POP का भी एक डिज़ाइन देख सकते हैं। ये पूरा POP का डिज़ाइन है इसमें, दोनों साइड से एस टाइप का इसमें डिज़ाइन लेके पूरा बनाया हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं इसका पूरा। इसमें स्टेयर्स और जो ग्रेनाइट डोर देख रहे हैं उनका काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ रहा है।
ये तरीके से फिटिंग करवा सकते हैं आप भी। और इसका पार्किंग का भी एक वीडियो है, ये भी पूरा डिटेल के साथ में बताया हुआ है कैसे इसमें ये फिटिंग किया हुआ है, कौन सा स्टोन है, पूरा रेट डिटेल के साथ में बताया हुआ है कंप्लीट।